छत्तीसगढ़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज शनिवार को प्रातः देवलोक को गमन हो गए। बैकुंठी यात्रा दोपहर बांधा तालाब दुर्ग से निकलकर दाह संस्कार के लिए उरला स्थित मंगल साधना केंद्र रवाना हुई। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने अपने व्यवसायिक संस्थान बंद कर बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष और बच्चे शव यात्रा में शामिल हुए। हाँ नहीं पता ना, मैं देख रहा था उसी को। भैया आवाज आ जाएगा, क्या फट जाएगा, चले भैया चले। भी महाराज साहब जिनका आज सुबह देवलोक गमन हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर जैन धर्म का उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो बहुत ही सराहनीय है, और उन्होंने जैन धर्म को जो संभाला उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। मैं भिलाई श्री संघ की ओर से उन्हें सत्सत वंदन नमन करता हूँ। गुरुदेव भले ही हमारे बीच नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा हमको मिलता रहेगा। कहे जाने वाले परम पूज्य रतन मुनि जी महाराज साहब का आज सुबह 9:30 बजे देवलोक गमन हो गया। वे बहुत सरल स्वभाव के थे और मंगल साधना केंद्र मंगलम उनकी एक सोच थी कि वो कैसे बने, और उन्होंने अपने सपने को अपने अंदर समेट के विदा हो गए हमसे। पार्थिव शरीर को यहाँ उनका लाया गया और यहाँ उनका कार्यक्रम किया गया। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन। आज हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव रतन मुनि जी महाराज साहब, जिनका 92 वर्ष और साथ ही साथ 76वां वर्ष उनका संयम दिवस, और संयम दिवस ऐसा रहा उनका, धर्म की ऐसी अलग उन्होंने जगाई, पूरा छत्तीसगढ़ बोल दीजिए, चाहे भारतवर्ष में बोल दीजिए या महाराष्ट्र के प्रांत में बोल दीजिए, उन्होंने ऐसी अलग जगाई, ऐसी अलग जगाई। आज वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 12:30-1 बजे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और देखिए 12:30-1 बजे स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। उनका ऑक्सीजन लेवल 50 आ गया, और उनका जो शुगर जो है 450, खाली पेट में शुगर उनका 450 हो गया। 12:30 बजे के बाद से पूरे डॉक्टरगण वहाँ पर आए, अपनी सेवा दी, हमारे संघ प्रमुख वहाँ पर उपस्थित रहे, लेकिन लगभग 8:45 बजे के आसपास पूज्य गुरुदेव श्री जी ने हम उनको अंतिम विदाई दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज पूरा भारतवर्ष पूरा शोक में लिप्त है। हम उनका जितना गुणगान करें उतना कम है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन गुरुदेव के रूप में हमने उनको, भगवान के रूप में हमने गुरुदेव को देखा है। पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ पूज्य गुरुदेव के प्रति। यहाँ का भूमि पूजन भी मुझे मेरे हाथ से हुआ था 1989 में, उनकी कृपा से हम लोग सब आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो उनका जितना हम लोग एहसान बताएंगे उसकी कोई यही नहीं है, शब्द नहीं है। उनको श्रद्धांजलि आज परम पूज्य परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ प्रवर्तक वाणी भूषण हमारे पूज्य रतन मुनि महाराज जी का दुखद निधन हुआ। मैं तो इतनी आत्मीयता से उनसे जुड़ा था, मुझे इतना प्यार इतना स्नेह देते थे। आज वो सारी यादें एक यादें बनकर रह गई हैं। बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, बीमारी हालत में भी मैंने कई बार उनसे भेंट की, तब भी वो बड़े प्यार से स्नेह से मेरे सिर पर अपना हाथ फेर के आशीर्वाद दिया करते। वो इतने सरल और सहज थे कि किसी को ऐसा नहीं लगता था हम इतने बड़े मुनि से मिल रहे हैं, इतने बड़े साधक से मिल रहे हैं। प्रेम का भाव हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, और आज इस मंगलम को उन्होंने स्वर्ग बनाने का संकल्प किया है।